how to behave in routine life and how to develop your own personality. So please give a big hand for Gayatri Parivar. And I'd like to invite Chaudhary ji to give the introduction to today's seminar. Good morning, everyone. Today we are having Mr. Ashish Singhji Bhai Sahab from Shanti Kunj Haridwar, Gayatri Parivar. Basically, we can't express our introduction about him because he's a personality of that category, his personality of that level. But few things I would like to say about his introduction. That Bhaiya Ashish Singh, he is an engineer by qualification and he has devoted his life for development of persons like us. He has devoted his life towards development of all the students, youngsters, and he is working towards development and refinement of our values, our culture. So this is basically basic introduction about him. And not without wasting much of our time, I think we should listen to him. Thank you so much. Thank you.
कहाँ थे हम लोग? राजा का जो सिलेक्शन है वो एक लॉटरी सिस्टम से, ठीक है, और लॉटरी सिस्टम भी ऐसा कि हर किसी को अपना नाम डालना पड़ता। जब इलेक्शन का टाइम आता था तो उस स्टेट में जितने भी लोग हैं उन सबको अपना नाम डालना है, किसी एक का नाम निकाला जाएगा तो वो अगले 5 साल के लिए राजा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर वहां पर एक उसके साथ एक कंडीशन और थी कि जो पुराना राजा रिटायर होगा वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए नियम ये था कि उसको किसी एक आइलैंड पे भेज दिया जाए, एक ऐसे आइलैंड पे जहां उसके लिए घर खाना पानी कुछ नहीं है। अब उसके बाद उसको लाइफ अपनी वहीं बिता, ठीक है, और कंडीशन ये थी कि नाम सबको डालना है, मतलब एक ना एक बार सबका नंबर आएगा। पुराने राजा के जाने का टाइम आ गया, नए राजा के लिए अनाउंसमेंट हो गई, सबने उस बॉक्स में अपना नाम डाल दिया। जो उस राजा का लास्ट डे था उस दिन बड़े लाल लश्कर के साथ वो आया और उसने बॉक्स में से एक नाम निकाला। जैसे ही नाम निकला, उसके जो नाम निकला एक किसी युवा का निकला, एक बच्चे का, एक साथी किसी का, और उसके नाम की लोगों ने जयकार करना शुरू कर दी। उसको ला करके सिंहासन पर उसका वोट हो गई, उसका राज तिलक हो गया। जैसे ही ये फंक्शन हुआ पुराने राजा को सैनिकों ने घेर लिया और उन्होंने कहा चलो। उसने कहा कहाँ? अरे आपको नहीं पता यहाँ का एक रूल है। क्या रूल है? बोले सब आप इतने साल से, आप जब राजा बने थे तो आपको मालूम नहीं? बोले उस समय हो तो रहा था कुछ, मगर मैं राजा बना तो राजा बनने के नशे में इतना चूर था, इतना खुश था कि मुझे इस बात का होश ही नहीं था कि वहां क्या हो रहा। तो उसने पूछा कि ये क्या किया जा रहा है, मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है? तो उसने कहा कि आपको एक टापू पे छोड़ देंगे। जैसे ही उसने ये सुना तो उसने हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिया, मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कैसे भी रह लूंगा, मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे मत छोड़ो। मगर किसी ने उसकी सुनी नहीं। ये सब हो रहा था तो नए राजा ने ये सब होते हुए देखा। उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी वो क्या हो रहा है? तो उसने बताया ये हमारे राज्य का रूल है कि जो पुराने राजा साहब है उनको एक आइलैंड पे छोड़ कर गया। उसने कहा मुझे भी छोड़ क्या हो? उसने कहा हाँ साहब 5 साल के बाद। बोले अभी तो नहीं आप? बोले अभी तो आप ही मालिक हो, आप जैसा चाहो वैसा हो। उसने कहा ठीक है। एक आध साल आराम से बीते। एक दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा मंत्री जी मुझे कुछ लोग चाहिए। मंत्री ने कहा कैसे लोग चाहिए? जो लोग थोड़ी मेहनत कर सके, श्रम कर सके। बुलाए और राजा ने उनसे कहा कि तुमको अब हमारे खजाने से सैलरी मिलेगी, अपने लिए अपना खाना पानी जो भी तुमको लगता है सब लो, बड़े से किसी जहाज में लो और कहाँ जाओ, कहाँ पर जाओ? उसी आइलैंड पे जाओ। कुछ लोगों के दिमाग में आ गई बात और उस आइलैंड पे जाकर के जो बेकार सी जगह है उसको लेवल करो और वहां एक कुआं खोदो, वेल बनाओ। राजा का आदेश था, कोई मना कर सकता है? मंत्रियों को भी कहा गया कि जो इनको लगता है सब सामान दीजिए और वहां कुआं बना दीजिए। गए उनको वहां सारी चीजें। कुछ समय के बाद आए, उन्होंने राजा को रिपोर्ट कर दिया कि साहब वहां कुआं बन गया है, अब आप बताइए। तो राजा उनको बढ़िया इनाम वगैरह देके विदा कर देगा। मंत्री से कहता है मुझे कुछ लोग और चाहिए। तो पूछता है मंत्री अब कैसे चाहिए? तो कहता है आप जो कोई मैशन वर्क जानते हैं, मिस्त्री, राजमिस्त्री जिनको कहते हैं हिंदी में, मुझे वो चाहिए। वो क्यों चाहिए? तो उस राजा से कोई ये पूछ ही नहीं सकता, बुलाए गए। और बुला करके राजा ने उनसे कहा कि तुमको घर बनाने के लिए जो जो सामान लगता हो सब यहाँ से खरीदवाओ, ठीक है, अपने जहाजों में भरो, खाना पानी
पानी लो, कहाँ जाओ, क्या करो, बड़े समझदार हो आप, यही हुआ, गए और उन्होंने वो भी कर दिया, कई सारे घर बना के आके राजा को रिपोर्ट कर दिया। कुछ दिन के बाद राजा ने मंत्री से कहा, मुझे कुछ लोग और चाहिए। तो आप कौन चाहिए? तो उसने कहा, जो फार्मिंग कर सकते हो, ऐसे किसान चाहिए, फार्मर्स चाहिए, जो उस तरह का श्रम करे, वो भी बुलाए गए। राजा ने उनसे कहा कि आप खाद, एग्रीकल्चर के कितने इक्विपमेंट्स हैं, जो भी तुम, जो सीड्स हैं, सब लेके जाइए और वहां जाके क्या करिए, फार्मिंग करना है। कुआं बन गया है, घर बन गया है, अब आपको उस जगह पर जो लैंड उन्होंने डेवलप की थी वहां जाके खेती करना है। गए, एक सीजन की फसल उन्होंने वहां लगाई, उसको उन घरों में, उसका जो जो भी क्रॉप थी उन घरों में रखी, अगले की तैयारी कर ली, आए राजा को रिपोर्ट किया, राजा ने उनको भी इनाम दे करके विदा कर दिया। ऐसा करते करते कितना टाइम बीत गया, एक दो साल तो पहले बीत गए थे और दो तीन साल और बीत गए। अब इस राजा को उस टापू पे जाना है, कोई दिक्कत है? आराम से जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है ना, बहुत आराम से। आखिरी दिन नए राजा का सिलेक्शन हुआ और ये भी खुशी खुशी सबको बाय बाय बोलते हुए वहां चला गया। यहां भी राजा के जैसे रहा और वहां गया तो वहां भी राजा बन गया। ठीक है, यहां कहानी खत्म हुई। अब कुछ क्वेश्चन है मेरे, पहला, ऐसा क्या था जो बाकी के राजाओं ने नहीं किया और इसने किया? फ्यूचर प्लानिंग। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग में तो एक काम ये भी हो सकता था कि जैसे ही उसको पता चला कि मुझे किसी आइलैंड पे जाना है, किसी दिन रात में जब सब सो रहे हो, राजा तो खुद ही था, उसके पास खजाने की चाबी थी, सारा माल भरता वहां से फरार हो जाता, ये भी हो सकता था, फ्यूचर का काम तो वो भी हो सकता था। तो फ्यूचर प्लानिंग तो की, मगर उसमें एक वर्ड और जोड़ी, ऐसा क्या किया राजा ने जो बाकी के राजाओं ने नहीं किया? फ्यूचर प्लानिंग राइट आंसर, उसमें थोड़ा सा और जोड़ी, वो उसका एक हिस्सा है कि वहां के लिए उसने सोचा, वहां कुछ डेवलपमेंट किया, बनाया। हाँ, ये हो सकता है, इन्होंने उस फ्यूचर प्लानिंग, उसने कहा प्रॉपर फ्यूचर प्लानिंग, हाँ ये भी हो सकता है। इसको एक वर्ड यूज करते हैं जिसमें हिंदी में तो उसको कह सकते हैं दूरदर्शी विवेकशीलता, जिसमें कि दूरदर्शी मतलब फ्यूचर प्लानिंग है और एक समझदारी भी है, और उसके साथ केवल वो फ्यूचर की सोच रहा होता तो हो सकता है एंग्जाइटी में चला जाता है, उसको रात रात भर नींद नहीं आती कि मुझे उस आइलैंड पे जाना है, मुझे उस आइलैंड पे जाना है। तो ये भी तो हो सकता था कि वो बेचारा तो हमेशा ही दुखी रहता, या वो उठा करके सामान भाग जाता, या बाकी की तरह से खाली खाओ पियो मौज करो, आगे की बात में देखेंगे, वो भी कर सकता, मगर उसने प्लानिंग की समझदारी के साथ की और वो तो सक्सेस हुआ। चलो ये तो ठीक है, ये भी बात आई होगी कि उस राजा से ये नहीं कहा गया होगा कि यदि तुम वहां की व्यवस्था बनाओगे तो यहाँ राजा नहीं रह सकते, ऐसा हुआ क्या? यहाँ भी आराम से राजा के जैसे था तो वहां के भी उसकी कंडीशन सारी अच्छी हो रही थी, उसके हिसाब से वो काम कर रहा था। चलो ये सब तो छोटी छोटी बातें, लास्ट क्वेश्चन का आंसर यदि आप दे दें तो बहुत ही अच्छा होगा। उस राज्य का नाम क्या है बताइए, कोई बता सकता है उस राज्य का नाम? गेस कर लीजिए, क्या नाम था? क्या था? नहीं पता,
कुछ कुछ सोच सकते बताइए क्या रहा होगा उस राज्य का नाम? किसी के मन में नहीं आ रहा? आप बताओ, तो गलत थोड़ी होगा। राज्य का नाम नहीं बट रिलेटेड। हाँ रिलेटेड। हाँ और कोई? अच्छा कैसे कहा आपने रिलेट करके बताओ, अपने आंसर को रिलेट करो। तो जब भी कोई भी इंसान टीनेज में आता है तब उसको खुद को सब मिल रहा है, अपने पेरेंट्स से एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिल रहा है, बट तब उसको फ्यूचर प्लानिंग जैसे आपने बताया कि उसको दूसरे राजा ने सब कुछ सोच के रखा आगे, सो वैसा सोच के दूसरे राजा से बनना है या फिर पहले राजा जैसे सिर्फ टीनेज इंजॉय करना है एंड देन बाद में कुछ देख लेंगे वगैरह वैसा बनना है? क्या नाम है आपका? पीयूष काठे। एक बार जोरदार तालियां। मुझे ऐसा लगता है जैसे आंसर इसका थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, मगर अब तक मैं मुझे लगता है थाउजेंड्स ऑफ स्कूल्स में गया हूँ, मुझे इस प्रश्न का आंसर फर्स्ट टाइम में पहली बार यहाँ मिला। जोरदार तालियों फिर से। सही है, टीनेज की बात करें या मैं कहूँ उस राज्य का नाम है हमारी स्टूडेंट लाइफ। कैसे? तो जैसे इन्होंने कोरिलेट किया एकदम राइट। कितना साल का शासन मिला था? कितने साल का? मैं ये कहूँ उस राजा के 5 साल इक्वल्स टू आपके, उस राजा का 1 साल इज इक्वल्स टू आपके 5 इयर्स। ठीक है, तो उसके 5 इयर्स आपके कितने हो गए? कितने? ठीक है, स्टूडेंट लाइफ। वैसे तो कहते हैं मनुष्य जो है वो जीवन भर स्टूडेंट हो सकता है, हमेशा स्टूडेंट हो सकता है, मगर जो डिफाइंड एज है हमारे यहाँ किसी को पढ़ाई के लिए वो क्या है, कितने एज है? 25 इयर्स। तो ये उसके 5 साल। सबका नंबर आता है, हर किसी का नंबर आता है, ठीक है, चाहे वो कलाम हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ था कैसे रहता है, चांस सबको मिलता है। ठीक है, तो सबका चांस सबका एक बार नंबर जरूर आए। अब इसमें 2 कंडीशन होगी, एक होगा कि आखिरी में कहाँ जाना है, तो उन्होंने सही आंसर दिया कि 25 साल के बाद एक ऐसे आइलैंड पे जाना है जहाँ अपने लिए खाना पानी घर सब सोचना है। ठीक है, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजा की जिंदगी क्यों है, क्योंकि आपकी एक प्रजा है। आप कहते हैं मुझे ये नहीं खाना, तो कहते हैं क्या खाना है राजा बाबू, है ना, मुझे ये नहीं पसंद, तो ये वाले कपड़े पसंद है, तो वो कहते हैं जो आ गया राजा बाबू वो आपको वो वाला ला के देते हैं। कब तक? कब तक? 25 साल के बाद फिर आपको अपने लिए सोचना है। अब आपके पास ये है स्थिति कि आप आगे भी वैसे ही राजा बन के रहना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, तो अब आप लोगों के पास अपना कैलकुलेशन करने का ज्यादा समय तो नहीं, आप बाद में भी कर सकते हैं कि अभी आप कहाँ करें, आपके पास कितना टाइम है और उसको कैसे लें। ठीक है, हम यहाँ पर आए हैं आपसे बात करते हैं कि यदि आप ये मानते हैं कि आपके पास वो समय है जिसमें कि आप राजा अभी भी बन सकते हैं और बाद में भी बन सकते हैं, ठीक है, तो क्या करें, कैसे करें? तो एक टॉपिक हमने ये चुना, इसका नाम है पर्सनालिटी रिफाइनमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सुना था, रिफाइनमेंट क्यों लिखा? अक्सर पढ़ने को मिलता है ना पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, रिफाइनमेंट क्यों? अच्छा, डेवलपमेंट पहले होना चाहिए या रिफाइनमेंट होना चाहिए? सिंपल प्रोसेस है, मान लीजिए जब लैंड से कोई भी ऐसा मेटल या जैसे गोल्ड निकलता, एक एग्जांपल, बहुत अच्छा गोल्ड का एग्जांपल है, रिफाइनमेंट को लेकर
धरती से सोना निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है? हाँ, किस फॉर्म में? और ठीक है, एकदम लेमन वर्ड कहूं तो कहूंगा कि पत्थर, मिट्टी, ठीक है। और यदि मैं आपको उसका एक स्टोन दूं और कहूं ये 10 ग्राम गोल्ड है, आप मेरे से ले लो, लोगे क्या? ले लोगे? नहीं लोगे, पता नहीं है कि नहीं। यदि ले भी लिया तो उसका क्या कर पाओ? कुछ बन पाएगा? नहीं बन सकता। तो पहले वो कहां जाता है? वो एक रिफाइनरी में जाता है, और रिफाइनरी में जाने के बाद उसकी सबसे पहले एनालिसिस होता है कि इसमें कितने तरह की इंप्यूरिटीज है। कुछ धोने से जाएगी, कुछ को जलाना पड़ेगा, कुछ फिल्टर करना पड़ेगा। एक बार उसकी इंप्यूरिटीज साफ कर देगा, उसके बाद उस पर टैगिंग लगती है, जैसे उसका एक कॉइन बना दिया या ब्रिक बना दिया। यदि उसका वेट किया है कि 10 ग्राम की है, ठीक है, अब ये 10 ग्राम का कॉइन, उस पर एक टैग लग गया कि 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, रिफाइन कर दिया गया, सबसे प्योर कर दिया गया, टैग लगा दिया, दिस इज 24 कैरेट गोल्ड। अब उसकी कॉस्ट क्या हो गई? डिफाइन हो गई, ठीक है, कि आज की डेट में वो 60,000-65,000 रुपए का मिलेगा, ठीक है। वो 60,000 का गोल्ड, अब आपको कोई कहे कि आप ले सकते हो या आपको देना है, आप ले लोगे? आपको पता है गोल्ड है, लोग परचेज भी कर सकते हैं क्योंकि अब उसकी प्योरिटी पता है। यदि उसको आपने ले लिया, ठीक है, और यदि अब आप उसका डेवलपमेंट करना चाहते, मान लीजिए आप, आपके पास किसी को मिला, आपने सोचा कि मैं इसकी किसी के लिए, अपने पेरेंट्स, घर में मम्मी के लिए या किसी के लिए चेन बनवाना चाहता, तो क्या उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी? कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। आपके पास गया, आपने कहा नहीं इसकी चूड़ी बनवा लेते, तो क्या उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी? किसी के पास गया, उसने कहा इसको हम एज इट इज रखते हैं, क्या उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी? नहीं होगी ना। जैसे ही उस पर एक बार चेक लग चुका कि 24 कैरेट गोल्ड है, उसके बाद उसको चाहे जैसे भी रखेंगे, चाहे जो बनाएंगे, जिस तरह से भी डेवलपमेंट करेंगे, उसकी कॉस्ट नहीं घटने वाली। हमारी लाइफ के साथ भी ऐसे कि जब जब कभी हम उसको एक बार डिफाइन करें, इम्प्योरिटीज को हटाने की कोशिश करें, और इस पर टैग लगता है कि ये 24 कैरेट है, जैसे उसमें 24 है, ह्यूमन लाइफ में यदि हम लोग बात करें तो इसमें किस तरह का टैग लगेगा? इसमें टैग लगता है कि ये एक गुड ह्यूमन बीइंग है, ये एक अच्छा इंसान है, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी क्या हो गई? रिफाइन हो गई। और पर्सनालिटी रिफाइन हो गई तो उस पर टैग लगेगा कि एक अच्छा है। अब इसका आप डेवलपमेंट करो, आप क्या डेवलपमेंट करना चाहते हो? आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो क्या बनेगा? अच्छा, जोड़ दीजिए उसके आगे। डॉक्टर बनना चाहते हो, उसके आगे वही वाला टैग जोड़ दीजिए। टीचर, प्रोफेसर बनना चाहते हो, उसके आगे वही वाला टैग लगा दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में जाना चाहते हो, उसके आगे वही वर्ड लगा दीजिए। पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, उसके आगे लगा दीजिए। ये तो प्रोफेशन है, जहां पे भी जाओगे अच्छा, सक्सेसफुल दोनों होगा। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे इंसान जो बनोगे वो अच्छा बनोगे। और यदि ये नहीं हो तो जिसके लिए डिमांड है सोसाइटी में, आप कहते हो अच्छे इंजीनियर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, अच्छे एम्प्लॉय नहीं है, अच्छे पॉलिटिशियन नहीं है, होता है ना, इसी अच्छे की तो कंप्लेन है, कहां से बनते हैं? रिफाइन। ये तो बात के है, उससे पहले एक अच्छी बहन, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा स्टूडेंट, और आगे चल के फिर और रिलेशंस है, एक अच्छे फ्रेंड्स, हस्बैंड, वाइफ, फादर, मदर, सब जगह तो वो अच्छे की डिमांड है। बनने की प्रोसेस क्या है? सेल्फ रिफाइंड, ठीक है। किस चीज का रिफाइनमेंट करेंगे? किसका पर्सनैलिटी। क्या होती है ये पर्सनैलिटी?
आप लोगों ने कभी अपने जैसे शक्ल के दूसरे आदमी को देखा है? जैसा टीवी में होता है कि आप कहीं जा रहे हो और वो कोई आदमी आपको मिल जाए, कभी नहीं हुआ? आप तो साइंस में पढ़ते हैं कि एक पेड़ जो प्लांट है उसकी लीफ भी एक जैसी दो नहीं होती, है ना? भगवान ने सबको कितना अलग बनाया इसको मानते हैं? जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको ये बात मन में आती होगी ना, आई एम द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, आती है? कितनी बार सोचा है ऐसा? जब आप मिरर देखते हैं, देखते ही होंगे, मिरर के सामने खड़े होते हैं तो ये बात दिमाग में कितनी बार आती है कि भगवान ने मुझे सबसे यूनिक बनाया, सबसे अलग बनाया, आती है? अभी तक नहीं आती हो तो आप ऐसे देखना मिरर, एक बार जरूर इस भाव से देखना कि मैं सबसे अलग हूं, सबसे अलग। अब बनाने वाले ने आपको सबसे यूनिक बनाया, सबसे यूनिक, ये वर्ड आ सकता है एग्जाम्पल, आई एम द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, उसके सामने बोल सकते हो। मगर हम लोग क्या करते हैं? ईश्वर ने आपको बनाया अनूठा और आप क्या बन गए? आप कॉपी करते हैं, ठीक है? कई बार करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, कोई विराट कोहली बन जाता है, कोई कोई बन जाता है बड़े होने पर, अभी तो आप छोटे हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो लोग इस तरह की मतलब कॉपी करते हैं, ठीक है? एक बार इसको मैं वही शब्द बोलता हूँ, आप लोग पहचान जाएंगे। एक मेंढकी बाजार जा रही थी, मेंढकी समझते हैं? कौन होती है, कौन होती है? हाँ हाँ हाँ, सही समझ रहे हैं, क्या? फीमेल फ्रॉग। वो पीछे गुजरो सोच रहे थे मेंढक की पत्नी, क्या फर्क पड़ा? मेंढकी बाजार जा रही थी, जा सकती है, जा सकती है। बाजार में उसने देखा कि घोड़ों के पैर में नाल ठोकी जा रही, नाल समझते हैं? आयरन रिंग होता है, जो इनके सॉलिड सोल होते हैं, घोड़ा या बैल, उनके पैर में लगाया जाता है ना? तो वो प्रोटेक्टेड होते हैं चलने में, उनके पैर घिसते नहीं, चलते हैं तो बड़ी अच्छी आवाज भी आती है। कई सारे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो उसने जिन्होंने उस रिदम पे गाने भी बनाए, बड़ा अच्छा लगता है। उसको मेंढकी ने देखा ये क्या हो रहा है, तो उसने पूछा, उसको भी बताया गया कि ये घोड़ों के पैर के लिए शूज का काम करते हैं और ऐसे ऐसे ये चलता है तो अच्छा लगता है। मेंढकी ने कहा हमारे भी पैरों का नाम ले लो, तो कहा तुम्हारे लिए नहीं है ये? मेंढकी ने कहा क्या बात कर रहे हो, मेरे पापा की सैलरी घोड़े से ज्यादा है, ये तो आयरन की बनवा रहा है, मैं तो गोल्ड की बनवा सकता हूं, है ना? आज के समय में किसी को ज्ञान देना बहुत कठिन काम है, है ना? बहुत कठिन है, उसको बहुत समझाया है लोगों ने कि तुम्हारे काम की नहीं है, मगर वो मानी नहीं। और उसने जब जिद करना शुरू किया तो फिर क्या करना था, बस उसने उसके पैर के नाम की वो रिंग बनाए गए और मेंढकी के पैर में लगाना शुरू किया। जैसे ही पहला कील लगा, जैसे ही लगाया, तो उसके तो पैर का जो स्ट्रक्चर है वो नाल के हिसाब से थोड़ी है, उसको खून निकलने लगा, चोट लग गई। अब वो मेंढकी ने चिल्लाना शुरू किया, नहीं मुझे मत लगाओ, मुझे छोड़ दो। मगर वो पिछले वाले जो थे ना, वो लोग परेशान हो चुके थे उसके लॉजिक से, इन्हें कहा आप तो इसके चारों पैर में हम लोग ये लगा के ही मान लो। और वो जो रिंग था उसके पैर में लगा दिया गया और वो बिचारी चिल्ला चिल्ला के उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसने दम तोड़ दिया, मर गई। ये स्टोरी हमारे मास्टर ने लिखी, जो इनकी बातों को मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि जब हम अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़कर दूसरों को बिना सोचे समझे कॉपी करते हैं, ठीक है? अभी आपको आपने कहा कि मैं भगवान ने मुझे एकदम यूनिक बनाया, जब हम अपनी ओरिजिनलिटी को छोड़ करके दूसरों को कॉपी करते हैं उस दिन हम अपनी ओरिजिनलिटी को मार देते हैं, खत्म करते, ठीक है? तो इसलिए ऐसा नहीं करना,
अब फिर बात आती है पर्सनालिटी में, मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई, क्योंकि ये वैसे तो एक ग्रीक वर्ड है, पर्सनालिटी जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, परसोना होता है, परसोना मतलब मुखौटा, क्या होता है मुखौटा, परसोना को ग्रीक में मुखौटा बोलते, मुखौटे को परसोना कहते, उसी से ये बना हुआ है पर्सनालिटी। आप ऊपर से लोगों को कितना अच्छा दिखा सकते हो कि आप कितने अच्छे हो, इसका मतलब क्या हुआ, मगर हमारे इंडियन वर्ल्ड में इसका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है, इसको कहते हैं व्यक्तित्व, क्या कहते हैं व्यक्तित्व। अब इसको यदि आप खोल करके देखिए व्यक्तित्व शब्द कैसे बना है, तो व्यक्ति का मूल तत्व, उसकी ओरिजिनैलिटी, उसकी इंडिविजुअलिटी, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी का यदि रियल में व्यक्तित्व का अर्थ निकाले तो हमारी जो अंदर की जो इंडिविजुअलिटी है, जो ओरिजिनैलिटी है, उसको रिफाइन करो बाहर से नहीं। अभी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हम लोगों को पढ़ाया जाता है, या मतलब पढ़ाया जाता है मतलब बहुत सारे से कोर्सेज होते हैं, हम लोगों भी कई बार कंपनीज में जाते हैं तो हम लोग जब बताते हैं कि हम लोग पर्सनालिटी रिफाइनमेंट बताएंगे तो कहते हैं आप डेवलपमेंट बताएंगे तो आप ये कैसे बताएंगे, ये कैसे बताएंगे, उसमें क्या होता है, उसमें बताते हैं आपके जूते आपके बेल्ट से मैच कर रहे हैं कि नहीं, आपकी टाई आपके शर्ट से कंट्रास्ट कर रही है कि नहीं, है ना, आपके चेहरे पे बनावटी मुस्कान है कि नहीं, एयर होस्टेस स्माइल बोलते हैं, जैसे आप किसी को अंदर से उसके प्रति अच्छा भाव रखे या ना रखे, कंपनीज में भी होता है वो लोग, कई लोग ऐसे करते हैं कि अंदर से बुरा भाव रखते हैं, बुरे शब्द का प्रयोग करते हैं और आते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, है ना, बाहर से दिखाइए आप कितने अच्छे हैं, अंदर से बुरे रहिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये अंदर और बाहर अलग अलग होने से बहुत नुकसान है। एक बार एक आदमी को अपने वही 5 साल उसने सही यूज नहीं किए और वो वैसे ही रोने लगा, मुझे कोई भी काम दे दो मैं कैसे भी रह लूंगा आखिरी में, तो बेचारा भटक रहा था, या वहां भटकते भटकते जब उसको कोई काम नहीं मिला तो वो एक जू में गया, जू समझते हैं, देखा है आप लोगों ने, उस जू जाकर के जू के मैनेजर से उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई काम दे दो, मैनेजर ने कहा कि हमारे पास ज्यादा काम है नहीं भाई, जानवरों को खाना देना है, टिकट सेल करना है, सिक्योरिटी है, इतना स्टाफ है, अब हम स्टाफ नहीं रख सकते, तो उसने हाथ पैर जोड़ना शुरू कर दिया, तो मैनेजर को उसके ऊपर दया आई, उन्होंने कहा चलो तुम्हारे लिए एक जॉब क्रिएट करते हैं, ठीक है, क्या जॉब क्रिएट करते हैं, एक नया जॉब तुम्हारे लिए बनाते हैं, हम तुमको एक शेर की खाल देते, ठीक है, तुमको शेर की खाल पहन करके शेर के पिंजरे में रहना है, ठीक है, शेर की खाल पहन करके शेर के पिंजरे में रहना, बढ़िया नौकरी है, कुछ नहीं करना है, उसने भी पसंद कर लिया, उसने कहा ठीक है साहब ये तो बहुत बढ़िया नौकरी है, क्या गजब का प्रोफाइल है, शेर की नौकरी करोगे, उसने करी बेचारे की मजबूरी थी, उसने शेर की खाल पहनी और शेर के पिंजरे में गया, और जब वो थोड़ी देर आपने जू में देखा होगा जैसे बड़ा सा होता है शेर का पिंजरा, है ना, उसमें आउटडोर होता है, तालाब वगैरह बना होता है, केव बनी होती है, बहुत शान से वो भी उसको सिखाया गया था कि थोड़ा घूम लेना, कभी कोई मूंगफली मारेंगे, कभी थोड़ा दहाड़ लेना, इससे हमारी सेल बढ़ेगी, टूरिस्ट आएंगे, वो भी बढ़िया, उसको तो अब ऐसा फील होने लगा कि मैं तो शेर हूँ, मजे से घूम रहा। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि अरे वाह इसमें तो अंदर भी है, क्वार्टर भी मिला हुआ है, तो उसने कहा चलो अंदर चलते हैं, और जैसे ही वो उस केव के अंदर गया तो वहां उसने देखा कि एक शेर और सो रहा था। अब इसकी हालत खराब हुई, इसने कहा कि गरीब आदमी को यदि काम नहीं देना था तो धक्के मार के बाहर फेंक देते, शेर के सामने कौन डरवाता, सही है, उसके साथ तो बुरा हो गया था, उसको ले जाकर के शेर के पिंजरे में डाल दिया गया। अब बेचारा ये चिल्ला भी नहीं सकता, यदि मान लो जोर से चिल्ला दे तो जो आधे घंटे की लाइफ बची है वो भी खत्म, अब जो भी करेगा वो कौन करेगा बताओ, शेर ही करेगा,
ये तो बेचारा चिल्ला भी नहीं रहा, चुपचाप बाहर आया और एक पेड़ के पास बैठ गया। तब तक वो अंदर वाला शेर जा रहा, उसको भी भनक लग गई कोई है, तो उसने बाहर निकल के देखा तो देखा शेर, तो वो तो खुश हो गया, उसने उसको बहुत प्यार से देखा। अब किसी को क्या पता शेर प्यार से कैसे देखता है, ये तो इसको तो स्ट्रेस हो गया। एक वर्ड सुना है आपने आजकल बहुत कॉमन है, कौन सा वर्ड? स्ट्रेस हो गया, कांप रहा है, परेशान है। अब जो है वो अंदर वाला शेर तो सोच रहा है यार अब तक अकेले रहते थे, अब दो फ्रेंड्स हैं, बढ़िया बात करेंगे घूमेंगे, तो वो तो उसके पास आ गया। अब शेर उसके पास आया तो इसको जो जो नहीं होना था वो सब हो गया था। शेर बगल में आकर बैठ गया। अब किसी के बगल में आकर के शेर बैठ जाए भले उसने कितनी भी खाल ओढ़ी हो, खा तो वो इंसान ही है ना। शेर जैसे ही आकर के बैठा तो ये जो नकली वाला था जिसने खाल ओढ़ी थी कितना कंट्रोल करता, हाइपर स्ट्रेस हो गई तो उसको चिल्ला नहीं था, उसने जोर से आवाज लगाई बचाओ बचाओ। तो बाजू वाले शेर ने कहा मेरी भी नौकरी खाएगा क्या? समझ में आई बात? कुछ को कल आएगी, सबको आई क्या? क्या वो भी वैसे ही था? सबने खाल ओढ़ रखी है, एक खाल ओढ़ रखी है और उस खाल के ऊपर से दिखा रहे मैं तो शेर हूं, अंदर से नहीं है बाहर से कैसे है? तो जब अंदर से शेर नहीं होगे और बाहर से दिखाओगे शेर हो तो स्ट्रेस तो हो गई। बस यही बनावट, इसको हटाना है, यही वो मुखौटा है जो वेस्टर्न फिलोसफी बताती है कि आप मुखौटा ओढ़ करके रहिए, आप दुनिया को दिखाइए आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप बताइए आप कितने बढ़िया हैं, पर एक्चुअल में आप हैं कि नहीं उससे कोई लेना देना। इंडियन फिलोसफी ये बताती है कि आप शेर बनिए या अच्छे इंसान बनिए, शेर मतलब एक एक बदोस की बात, कि आपको मुखौटा ओढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने अंदर वाले को वैसा ही बनाना है जैसा आप बाहर प्रेजेंट करना चाहते हैं, और जब इसमें कंफ्लिक्ट होगा तो स्ट्रेस होगा। आप अंदर से परेशान हैं, आप दुनिया को बताना चाहते हैं मैं तो बहुत हंसता हूं मैं तो बहुत खुश रहता हूं, तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा। बाहर से आप हंसना चाहते हैं मगर अंदर से रोक रहे हैं कि अभी कल मेरे को प्रॉब्लम थी, अब सारे फ्रेंड बोलेंगे कि कल तो बता रहा था कि मुझे प्रॉब्लम है और आज हंस रहा है, ऐसा होता है। तो ये अंदर बाहर वाली गड़बड़ नहीं, जैसा अंदर वैसा ही बाहर, ये है पर्सनल। अब इसको रिफाइन कैसे करें, तो इससे रिफाइन करने से पहले इसको ये समझना पड़ेगा कि इसकी थ्री लेयर्स है, जैसे प्याज के छिलके होते हैं तो ये तो दिख रहे होते हैं, हमारी पर्सनैलिटी के भी थ्री लेयर्स है। कौन कौन सी? तो एक तो आपने पढ़ा है, यदि आप एक इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो वो कैसे पता चल रहा है कि आप मनुष्य हैं? आपकी एक फिजिकल बॉडी है और आपकी एक फिजिकल नीड है, रोटी कपड़ा और मकान, चौथा मोबाइल है ना। रोटी चार से तीन चल जाएगी, मोबाइल में टावर पूरे चार जाएगी, ऐसा है क्या? चलो ठीक है, फिजिकल नीड है, एक आप मनुष्य है ना, मनुष्य है तो भूख लगती है ना, भूख लगती है, आप कपड़े पहनते हैं, घर में रहते हैं, है ना, ये आपकी फिजिकल नीड्स। अब आपके अंदर एक इंसान और है जो कहता है भूख तो लगी है मगर आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है ना। आपके अंदर एक व्यक्ति और है जो जज कर लेता है कि आज का खाना मम्मी ने बनाया है या बाहर का है ना। रिलेशंस पहचानता है, आपने किसी जानवर को देखा है, गाय सोचे कि खाना खा लिया आज मैं अपने किसी फ्रेंड से मिल के आती हूं या अपने रिश्तेदार के यहां जाती हूं, ऐसा होता है क्या? शादी में जा रही है गाय, नहीं होता। ह्यूमन बीइंग है जिनके अंदर वो डिमांड है, पहली
क्वालिटी ढूंढता है। रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए, मगर बटर रोटी चाहिए, ब्रांडेड कपड़ा चाहिए और बिग वाला मकान चाहिए, है ना। क्वालिटी ढूंढना और क्वालिटी के साथ साथ रिलेशन ढूंढ रहा है कि आप मित्र हैं, आप परिवार के साथ रह रहे हैं, है ना। विचार कर रहा है, सोच रहा है कि आपके अंदर ये गलती है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फुलफिल हो जाए, ये दोनों हो गए कि आपको भूख लगती है, आपको आपके अंदर वाले को कुछ खाना पसंद है, मान लीजिए खीर खाना पसंद है, आपके अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खीर खाना पसंद है। अब खीर बनाई गई, माँ ने ही बनाई, और परसते समय घर के किसी व्यक्ति ने इसे थाली में परसी और सरकार ले खा ले, खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। मतलब आपके अंदर एक और कोई है जो इन दोनों को गवर्न करता है, है ना। बहुत भूख लगी हो, बहुत पसंद का खाना बनाओ, और आपको पता चले कि आपके फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है, उसको कुछ हो गया है, आप खाओगे क्या? या घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो और आपको बहुत अच्छी भूख लगी हो, बहुत अच्छा खाना आपके सामने रखा हो, आप खाओगे क्या? मतलब ये दोनों नीड्स हैं, मगर ये दोनों को गवर्न करने के लिए आपके अंदर एक आदमी और बैठा हुआ है जो इन दोनों से सुपीरियर है, मगर हम इस पे सबसे कम ध्यान देते हैं। गवर्न तो ये करता है, मगर इस पे ध्यान हम सबसे कम देते हैं। ये तीनों मिलकर के हमारी पर्सनैलिटी बनती है। कौन कौन है ये तीन? एक है हमारी फिजिकल बॉडी, दूसरी मेंटल बॉडी, और तीसरी इमोशनल, स्पिरिचुअल भी बोल सकते हैं और इमोशनल। ये तीन लेवल है, ये थ्री लेयर्स है जो हमारी पर्सनैलिटी है, सभी जानते हैं, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, स्पिरिचुअल या इमोशनल, दोनों ही माने, दोनों एक जैसे ही, ठीक है। अब आप बोलेंगे कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कहूं, आप लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस में तीन स्ट्रीम होती है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और। अब मैं ये कहूं कि मैं केवल बायो पढ़ के साइंस में पास हो जाऊंगा क्या? केवल केमिस्ट्री और बायो पढ़ के हो जाऊंगा क्या? नहीं हो सकता, मुझे तीनों पढ़ना पड़ेगा। वैसे ये इस लाइफ के काम, यदि इसमें पास होना है तो ये तीनों पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल फिजिकल के लिए कर लिया, मेंटल वाले के लिए कर लिया, या केवल स्पिरिचुअल के लिए, छोड़ो ये सब मोह माया बेकार है, इसको छोड़ो, चलो सिंगल में चलते हैं, वो भी आधा अधूरा है। तीनों में यदि आपके अच्छे नंबर नहीं आए तो आप पास नहीं होंगे। समझ में आई बात? लाइफ के काम, तो इन तीनों के लिए काम करना, इन तीनों के लिए रिफाइनमेंट की प्रोसेस क्या है, चार स्टेप्स याद करके रखिएगा, लिख के रख लीजिएगा कौन कौन सी। सबसे फर्स्ट है सेल्फ एनालिसिस, कौन सी? सेल्फ एनालिसिस, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आत्म समीक्षा, ठीक है, सेल्फ एनालिसिस। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आगे चल के जॉब ज्वाइन करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, अभी तो खैर टेंथ है, मगर अभी किसी ने, बहुत सारे लोगों ने तो सोचा ही नहीं होगा, फिर भी और कुछ लोगों ने हाथ दिखाए, जॉब इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, चाहे इंजीनियरिंग में जाए। बच्चिया आप लोग कभी भी नहीं जाए, सब स्टार्टअप वाले हैं क्या? धीरे धीरे लोगों ने, कुछ लोग पड़ोसी को देखते रहते हैं, जो हाँ तू भी देख, पड़ोसी का बहुत महत्व है, जब तक पड़ोसी हाथ ना उठाए नीचे गए तब तक अपना हाथ उठता ही नहीं है। तो ऐसे जागरूक पड़ोसी, जिनके अड़ोसी पड़ोसी उन पे आश्रित हैं, वो कृपया करके पहले हाथ उठा दिया करते। तो
इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन आपको पता है क्या होता है? नहीं, नाम तो क्या हो सकता है, आपको बुला ले, नाम ले ले। एक प्रोसेस है, जैसे अभी तो आप बहुत छोटे हैं, जब कॉलेज में जाएंगे तो एक बकायदा इसके लिए आपको क्लासेस होंगी, ये सिखाया जाएगा। अभी मैं बता देता हूँ, किसी ने सुना है इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन? इंटरव्यू में बोला जाता है डिफाइन योरसेल्फ। अब समझ में आया, कई लोगों ने सुना, अपने बारे में बताइए। अच्छा, उसका उत्तर पता है क्या बताना पड़ता है? क्या बताना पड़ता है कोई के, मुझे मालूम है अभी आप लोगों के ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही गैस करके बता सकते। इसमें बताते हैं कि आपने क्या पढ़ाई की है, आपकी योग्यता के साथ साथ आप कुछ चीजें और बताते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ना वीकनेसेस बताइए, स्ट्रेंथ बताइए, क्वालिटीज बताइए, ये आपको बतानी पड़ती है। और आप पता है कि मैक्सिमम जो जो इंटरव्यू के जो हमारे जो मतलब तैयारी करने वाले या इंटरव्यू देने वाले वो लोग जो है वो जाते हैं तो जानते हो कहाँ से बताते हैं? ये कहाँ से बताते हो? हाँ, सही राइट आंसर, इंटरनेट पे जाते हैं, एक अच्छी सी सॉलिड वाली लाइन कॉपी करते हैं, उसको अपने रिज्यूमे में पेस्ट करते हैं, उसी को याद करते हैं। अब वो याद करके इत्तेफाक से वो इंटरव्यूअर भी अपने इंटरव्यू में वही वाली कॉपी करके गया, तो कहता आपके और मेरे विचार कितने मिलते हैं, दोनों की स्ट्रेंथ कॉमन है। ऐसा ही होगा एकदम सहज रूप से, जो सच्चाई है कड़वी वो यही है कि आप कल्पना कीजिए कि लोगों को अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटीज इंटरनेट पे सर्च करनी पड़ती है। कभी हमने अपने आप से पूछा? यही है सेल्फ रेफरेंस। जब आप ध्यान करने बैठे, जब आप उपासना करने बैठते हैं, चाहे ये फर्क नहीं पड़ता आप किस फेस सिस्टम को मानते हैं, उपासना पद्धतियां धर्म एक ही होता है। अब मैं जो ये मानता हूं, मेरा बिलीफ सिस्टम ये है कि धर्म एक है, बाकी जितनी हमें आसपास दिखाई देती है ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, उस धर्म को अचीव करें। आप जिस भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को मानते हो, यदि जब आप वो करने बैठ रहे हैं तो उस समय क्या होता है पता है? पूरी दुनिया में दो ही तरह, तीन तरह की चीज हो रही होती है, या पहली बैगिंग हो रही होती है, मांग रहे हैं भगवान ये दे दो, या बार्गेनिंग हो रही होती है, अच्छा भगवान ये नहीं तो ऐसा ये कर दो, ये नहीं हो सकता तो डिटेंशन ही दिलवा दो, बार्गेनिंग चल रही होती है। और तो और बार्गेनिंग से ज्यादा ब्लैकमेलिंग भी देखी है मैंने, यदि तुमने मुझे पास नहीं करवाया तो मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगा, बताओ है ना? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये है क्या? ये नहीं है। जो मैंने आपसे कहा सेल्फ एनालिसिस, आत्म समीक्षा, जब आप बैठे कौन है भगवान, ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ वही जो इमोशनली आपको कनेक्ट कर रहा है, जो गवर्न कर रहा है, उसके पास बैठ करके आप पूछिए कि आपके अंदर क्या कमियां है, ऐसी कौन सी कमी है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। ईमानदारी से इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो मुझे आगे ले जा सकती है, ऐसी कौन सी वीकनेसेस है जो मुझे हमेशा पीछे रोकती है, उसका एनालिसिस करना, अपनी डायरी में लिखना और उस पर प्रैक्टिस करना, इसका नाम है क्या? एनालिसिस। और ये बहुत ईमानदारी से होना चाहिए। ईमानदारी क्यों कहा? आप लोग घर में भाई बहन होंगे है ना, या फ्रेंड्स भी है, मान लीजिए आपके किसी भाई या बहन से घर में कांच का ग्लास उसके हाथ से गिर जाए, कोई ग्लास हो कोई बॉटल हो उसके घर हाथ से टूट जाए, मम्मी ने आवाज लगाया क्या हुआ, आप क्या बोलोगे? इसने ग्लास, राइट ना, क्या बोलोगे? इसने ग्लास। और यही ग्लास आपके हाथ से गिर जाए तो क्या हुआ?
ग्लास टूट गया, ग्लास की आवाज तो आई, जब भाई के हाथ से गिरा या बहन के हाथ से गिरा तो इसने ग्लास, और आपके हाथ से गिरा तो ग्लास टूट गया। हर कंडीशन, गाड़ी लेके कोई जा रहा है, मान लीजिए आपके भाई बहन फ्रेंड ने यदि किसी से कहीं डेंट कर दी, पापा ने पूछा ये गाड़ी में ये डेंट कैसे हुआ, तो ये मेरा फ्रेंड ले गया, उसने गाड़ी ठोक दी, और खुद से हुआ तो अरे कुछ नहीं गाड़ी ठुक गई, है ना। मतलब जब आप दूसरे की समीक्षा करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाते हैं, है ना, एकदम गलती नहीं करते, सही निर्णय देते हैं, और जब खुद का एनालिसिस करते हैं तो तब एकदम आप लिबरल हो जाते हैं कि नहीं ये तो टूटना ही था, अरे ना जाने कितने ग्लास टूटते हैं, और जब दोस्त से या भाई से टूटे तो उसके जीवन के धरती पे आने का कारण ही ये ग्लास टूटना है ना। तो जब सेल्फ एनालिसिस करो तो ईमानदार हो गए आप। इसके लिए हमारे गुरुदेव ने आपके स्कूल में कहीं लिखा होगा कोटेशन, अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदार। अपने लिए आप एकदम स्ट्रिक्ट रहिए और दूसरों के लिए आप जो है उदार रहिए, बस फिर सेकेंड रिफाइनमेंट के लिए मैंने इतनी बातें आपको बताई दी है कि जब आपको पता चले कि आपके अंदर ये कमी है, ठीक है, तो उस पर काम करिए। कैसे हो सकता है, उसका पॉजिटिव पक्ष भी। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है मैं झूठ बोलता हूं, ठीक है, अब मैंने यही बात दिमाग में रख ली कि मैं झूठ बोलता हूं तो बार बार मेरे दिमाग में झूठ आएगा, तो अब इसका पॉजिटिव लीजिए कि मैं सच बोल रहा हूं, ठीक है, और कंटिन्यू नहीं हो सकता। मैं ऐसा कह दूं कि आप मान लीजिए कोई बहुत बड़ी प्रतिज्ञा करने के लिए मैं आपसे नहीं कह रहा कि जैसे आज आप मेरी क्लास में बैठे कल से जो है ना आप इंसान नहीं बचे, आप महामानव हो गए, सुबह सो के उठे तो एक महापुरुष उठा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं आपसे, मगर एक एक प्रैक्टिस, कोई एक एक आदत आपको अपनी लाइफ में लेनी पॉजिटिव, उसकी प्रैक्टिस करो, रोज एक लिखिए अपने पॉकेट में रख लीजिए, आपको लगता है मेरे अंदर ये कमी है तो उसका पॉजिटिव वाला अपने जेब में रखिए, हर आधे घंटे में देखिए कि मुझे ये काम है, ये रिमाइंडर रेगुलर, ठीक है। कोई मूर्तिकार, अब ये छोटा छोटे से होगा, आप सोचेंगे आप एकदम से महापुरुष बन जाएंगे, नहीं हो सकता। कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो क्या करता है, ऐसा होता है क्या, एक बड़ा सा पत्थर लेके आया, अब बड़ी सी छेनी और हथौड़ी लाया, बोला या तो आज मूर्ति रहेगी या पत्थर रहेगा, ऐसा होता है नहीं, एक छोटी सी वो छेनी और उसकी हथौड़ी होती है, स्मॉल चेंजेस, धीरे 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 करके वो उसको बनाता है। ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे एक एक प्रैक्टिस को करके रिफाइन करना है। थर्ड स्टेप है डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, फर्स्ट हुआ एनालिसिस, दूसरा रिफाइनमेंट आत्मशोधन सेल्फ रिफाइनमेंट, थर्ड सेल्फ डेवलपमेंट कि अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाना, कमियों को दूर करना, और कोई ना कोई एक आदत जो बाकी से अलग आपको बनाती हो इसकी प्रैक्टिस, कुछ अच्छा सीखिए, कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश करिए, जो भी एक अच्छाई हो सकती है, कुछ अच्छी आदतें हो सकती हैं, कुछ मतलब कह सकते हैं कला हो सकती है, जो भी आप चाहते हैं वो अपने अंदर बढ़ाने, और फोर्थ है उसको कहते हैं सेल्फ एक्सपांशन, ये कहलाता है आत्म विस्तार। ये कैसा होता है आपको पता है, इस समय ना पूरी दुनिया में सेल्फलेसनेस बहुत है, है ना? जैसे जैसे लोगों का सेल्फी खींचने का चलन बढ़ा है, वैसे वैसे आदमी के सेल्फिश होने का भी चलन बढ़ा है ना। आदमी केवल अपने बारे में ही सोचता है, पेरेंट्स के लिए समय नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, फ्रेंड्स ट्रू फ्रेंडशिप नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, होता है
बिल्कुल नहीं। मैंने तो एक बहुत अच्छा मैंने कहीं जो एक जो पढ़ा था बड़ा अच्छा लगा मुझे, वो कहता है कि जो है कि घर में बहुत देर से लाइट की सप्लाई नहीं थी, वाईफाई भी ऑफ था, फोन डिस्चार्ज हो गया, तो कुछ देर ड्राइंग रूम में आके बैठा, घर वालों से बात की, अच्छे लोग हैं यार, सही है ना, है ना, होता है ऐसा, पता ही नहीं है। हम लोग जो है पेरेंट्स के लिए, भाई बहनों के लिए, तो ये आत्म का विस्तार कहां से शुरू हो, यहीं से हो कि केवल अभी अपने लिए नहीं, दो घंटे अब उनके लिए भी सोचना, उनसे बात करनी है, इमोशन शेयर करने हैं, ठीक है, ये आत्म विस्तार। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, पूरे स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका कोई नहीं होगा उनके लिए, अब ये आपके ऊपर है कि अपने सेल्फ को आप कितना बड़ा कर सकते हो। एक्चुअल में बताऊं, हम सारे अलग अलग हैं ही नहीं, ये भारतीय दर्शन एक बहुत जोरदार बात कहता है। जैसे मान लीजिए वो मटके में कहा है, उस एग्जाम्पल को मैं गुब्बारे से कहूं, अलग अलग कलर के गुब्बारे हैं, सब में एक ही हवा भरी है, और गुब्बारों के बाहर भी एक ही हवा भरी है, वो सारे फूट जाएंगे तो हवा कहाँ जाएगी, और सब गुब्बारे बोले मेरे अंदर अलग अलग है, तो एक्चुअल में सही है क्या, वैसे ही हम सबके अंदर एक ही जैसी हवा भरी है, ठीक है। बस ये कुछ एमएम की स्किन है जो हमें अलग अलग बनाती है, ये हटा दी जाए तो सारे एक जैसे ही, और इसके अंदर का आत्म तत्व भी एक जैसा है, बस इसको एक मानने का भाव ही आत्मविस्तार है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना ब्रॉड ले जा सकते हैं। जो महापुरुष होते हैं, ऋषि होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, आपने ऐसे बहुत उदाहरण महाराष्ट्र में ही देखे, अभी कहीं सिंधुताई सतपाल थोड़े दिन पहले, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनने अपने आत्म को बहुत बड़ा कर लिया, तो कई सारे लोग उनके बच्चे दिखने लगे, तो ऐसा होता है। ये लास्ट स्टेज, जो आप इमोशनली कितने बड़े हो जाए, मैं उतना बड़ा नहीं होने को कह रहा हूँ, केवल अभी तो आपको अपनी फैमिली में अपने आत्म का विस्तार है, सोसाइटी में। तो ये चार स्टेजेस हैं जिसमें आप अपने आत्म का विस्तार कर सकते हैं। अब मैं लास्ट में कुछ प्रैक्टिसेस बताना चाहता हूँ, बताऊ तीनों बॉडीज को, आपकी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल के लिए दो दो तीन तीन प्रैक्टिसेस बताना चाहता हूँ कि जिसको आप कल से फॉलो कर सकते, ठीक है, कुछ करते भी होंगे, ठीक है, करते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं करते इसको फॉलो करो। सबसे पहला हमारी फिजिकल बॉडी है, गीता के 6वें अध्याय का 17वां श्लोक है, गीता आप जानते हैं, मैं जहां से आया हूँ देव संस्कृति यूनिवर्सिटी, आपका स्कूल बहुत जोरदार है, आपके यहाँ कितने बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिसेस कराते हैं, जैसे हम लोग भी अपने स्टूडेंट्स को लाइफ मैनेजमेंट हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट, बच्चे चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़े, चाहे एनिमेशन पढ़े, चाहे योग पढ़े, यदि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होगी तो हम उनको फेल करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। हमारा ये मानना है कि कोई इंसान अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छी कोडिंग भी कर लेगा तो क्या करते, तो इस तरीके से पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ गीता की क्लास हमारे चांसलर खुद लेते हैं, तो आप लोग भी कोशिश किया करिए कि आप तो बहुत अच्छे मीडियम हो गए हैं, सोशल को आपको यूट्यूब वगैरह से आप सीख सकते हैं। 6वें अध्याय का 17वां श्लोक, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। संस्कृत में सरल अर्थ बता देता हूं, युक्त आहार, आपकी फूड हैबिट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अभी तो फूड के मामले में मैं कहूं तो हमारा हाल किसके जैसा है पता, कोई मेंढकी के जैसा, मेंढकी याद आ गई, ये पूरी दुनिया में लोगों के लिए मजबूरी का खाना है। मैं इसका आपको रीजन बता दूं, यूरोप में ठंडी जगहों पर आपके जैसी माए नहीं है जो उतनी ठंड में भी आपके लिए रोटी बना के दे देती है, वहां नहीं दे सकते, तो वो लोग कॉमन सबके लिए सामूहिक रूप से ब्रेड बनाई जाती है, रोज रोज आटा भी नहीं सान सकते थे तो वो उसमें ब्रेड बना ली गई। अब उस ब्रेड में सब्जियां डाल के, चीज डाल के, उसको कभी गर्म करके, कभी एक के ऊपर एक रख के, कभी चटनी लगा के खाते, बच्चों ने खाने से मना कर दिया। तो जापान भी ठंडा प्रदेश है,
जापान के वैज्ञानिकों ने इस पे शोध करी और एक नया टेस्ट डेवलप किया। आप जो टेस्ट पढ़ते हैं कल के पढ़ते हैं ना, वो उन टेस्ट से अलग एक टेस्ट बनाया, उसका नाम जैपनीज वर्ड में रखा उमामी, उमामी टेस्ट। पढ़ा नहीं पढ़ा? अब आगे जब आप कभी केमिकल में जाओगे तब मास्टर्स में या बैचलर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा उमामी टेस्ट। क्या केमिकल था? मोनोसोडियम ग्लूकोमेट को बनाया गया और इस केमिकल का टेस्ट ऐसा कि यदि आप एक बार खा लो तो एक बार में आपके ब्रेन में उसका एडिक्शन हो जाए, उसके बाद वो जब भी बनेगा या उसको आप देखेंगे या स्मेल करेंगे, आपका पेट भरा भी होगा तो आपका खाने का मन करेगा। ये वहां की मजबूरी में बच्चों को खिलाने के लिए डेवलप किया गया था और वो उमामी टेस्ट ये सारे फास्ट फूड में डाला जाता है। इसका बोलचाल का नाम बोलूंगा तो आप सबको पता है, उसको कहते हैं अजीनोमोटो। जो एडिक्शन है और आपको पिज्जा देखते से ही खाने का मन करता है या आपको मैगी सूंघते उसकी स्मेल आती है और आपको खाने का मन करता है, ये वही खा वही उसी वजह से। तो ये खाना उस मेंढक वाला ही हाल है कि आपने जो आपकी जरूरत थी वो छोड़ करके और उनके खाने को एक्सेप्ट कर लिया। कभी कभी के लिए मान सकते थे, रेगुलर के लिए बहुत खतरनाक था। इसलिए कहा गया युक्त आहार। हमारे उपनिषद कहते हैं हित भूख मित भूख ऋत भूख, जो आपके लिए काम का है वो खाइए, जो सीजन का है वो खाइए, जो आपके लिए फायदेमंद है वो खाइए, उससे ज्यादा। एक शास्त्र में वो आता है फूड मेक्स अवर माइंड, अंग्रेजी में हिंदी में है वो, संस्कृत में अन्नो वही मना, जो आप खाते हैं उससे आपका मन बनता है। तो इसलिए आप जो भी खा रहे हैं उससे पहले की प्रार्थना इंपॉर्टेंट, उसके साथ का भाव इंपॉर्टेंट। साउथ में जाइए सबका चावल से पेट भर जाता है, नॉर्थ में जाइए रोटी से, इससे रिवर्स दो तो लोगों का मन नहीं करता खाने। तो बताओ क्या चावल से पेट भरता है कि रोटी से भरता है? खाने से पहले जो भाव बनता है उससे आपका पेट भरता है, ये भाव इंपॉर्टेंट। तो इसलिए भोजन से पहले प्रार्थना, और ये प्रार्थना ये सब चीजें तो एक तरफ। अब सबसे लास्ट वाली बात जो मैं अन्न के लिए कह रहा हूं, महाभारत का एक प्रसंग, भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ने वाले बाण की सैया में पड़े हुए, कृष्ण कहते हैं कि एक बहुत ज्ञानी पुरुष इस धरती से जाने वाले, सब लोग चलो और उनसे कुछ ना कुछ सीखो। सारे जाते हैं, भीष्म पितामह जैसे ज्ञान की बात बोलना शुरू करते हैं वैसे ही द्रौपदी हंसने लगती जोर जोर से। तो कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि कृष्णा तुम पागल हो, ये भीष्म पितामह बोल रहे हो और तुम हंस रही हो। तो द्रौपदी ने जानते हो क्या कहा कि केशव ये वही भीष्म पितामह है। कौन से आपको महाभारत का इंसिडेंट पता है ना, कौन से भीष्म पितामह जो उस दिन सभा में बैठे थे? नहीं, जो आप सही सोच रहे, ये वही है। उस दिन ये ज्ञान कहां था? उस दिन ये कहां थे? उस दिन इनका ये नॉलेज कहां था? इसका उत्तर भीष्म पितामह ने ही दिया। भीष्म पितामह ने कहा कि तब तक मैं कौरवों का अन्न खाता और उस अन्न की वजह से मेरा अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो चुका था कि मैं अच्छे और बुरे को खड़े होकर के मना कर सकूं। आज इतने दिन तक इस बाण पे पड़े पड़े मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त जो उस अन्न से बना था बह चुका है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं, मेरा ज्ञान प्रकट कर पा रहा हूं। तो अन्न का संस्कार आपके आत्मबल को भी कमजोर करता है, इसलिए हमेशा ईमानदार रह करके अपनी मेहनत का खा करके, इसलिए कि आपके लोग आपको मन में आता होगा कि कॉन्फिडेंस कैसे आए, कॉन्फिडेंस के लिए आहार भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युक्त आहार विहार से। विहार का मतलब लोग सोचते हैं घूमना फिरना, विहार का मतलब होता है लाइफ स्टाइल, जीवन साधना। रेस के घोड़े जानते हैं,
मान लीजिए मैं 10 रेस के घोड़े हैं, एक फर्स्ट आता है, एक लास्ट आता है, ठीक है, रेस हुई, एक फर्स्ट आया, एक लास्ट आया, मैं आपसे कहूं कि आप फिर से रेस कराइए, आप बोलेंगे ये तो 9 घोड़ों से आ रहा है, 9 घोड़, ये तो जीता हुआ है, इसमें क्या, बोले नहीं बीच वाले हटाइए, केवल 2 घोड़ों की रेस कराए, जो फर्स्ट आया था और जो, और आश्चर्य होगा, ये तो डिसाइडेड है इसकी दौड़ क्या होना, बोले नहीं थोड़ा सा रूल चेंज कर देते, जो फर्स्ट आया था उसका राइडर हटा दे और जो लास्ट आया था उसका राइडर बैठे देने दे, अब बताइए कौन सा जीतेगा, लास्ट आया है ना, जैसे ही रेस हुई वो भागा तो था पहला वाला, मगर बीच में उसका एक नोटिफिकेशन आ गया और किसी सोशल मीडिया का, और उसने मोबाइल निकाल के देखा, तो उसने देखा उसके दोस्त ने कोई स्टोरी डाली है, फिर वो देखने लगा, उसके बाद एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरे से चौथी, और वो एक अनंत यात्रा में चला गया, समझ में आ रही है बात, तो इसलिए हार गया, और वो वाला वो उसके ऊपर राइडर बैठा था तो वो दौड़ के जीत गया, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिमाग कितना तेज है, आपके पास टाइम कितना है, सबके पास एक बराबर, आपका शरीर कितना मजबूत है, आपके पास पैसे कितने हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपके इसके ऊपर राइडर कैसा बैठा होगा, राइडर सही बैठा होगा तो वो बोलेगा चलो अभी कोई, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया तो आप बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर का थोड़ी आया होगा, आधे घंटे बाद देखेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा तो देखेंगे, बस ये राइडर आपको जिता देगा, ठीक है, तो इसका नाम है विहार, टाइम को मैनेज कीजिए, आपके पास कॉपी है, पीछे वाले पन्ने में जरा लिखने की कोशिश करते हैं, मैं आपको कहूंगा आप अपना कैलकुलेशन, ठीक है, चलिए अपने ईमानदारी से मैं कहूंगा, चलिए ज्यादा सोने में, ज्यादा सोने में कितना टाइम वेस्ट होता है, लिखो एक घंटा, आधा घंटा, जो आप लिखना है 30 मिनट लिखना है, वन आवर लिखना है, वन एंड हाफ आवर लिखना है, आप लिखिए, ज्यादा सोने में, गपशप करने में, अपना लिख लो, यहां वहां घूमने में, दिन में सपने देखने में, टीवी देखने में, खेलने में, वैसे खेलना अच्छा होता है मगर लिख लो, खेलने में, और जुड़ाना है, चलो अभी इतने ही जोड़ लो, जब टोटल कर लो, 2 आर्स वाले कितने हाथ उठाओ, 2 आर्स, 2-3 लो, 3 आर्स वाले, 4 वाले, 5 वाले, बहुत सारे हो गए, 6 आर्स वाले, 7 वाले, 8 वाले, बाकी ने नहीं जोड़ा क्या, बाकी क्या 1 आर वाले भी, 1 वाले भी देखा नहीं ना, तो क्या बाकी कोई दूसरी पार्टी वाले थे क्या, जिनकी सरकार आएगी उसके साथ जाएंगे, सबने लिखा है ना, जोड़ा ना, अब आप सोचो 4-4, 5-5 घंटे आपके कहां जा रहे हैं, अभी मैंने इसमें मोबाइल नहीं जोड़ा है, यदि मोबाइल लिखवा दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 ही हिस्से होते हैं पूरी लाइफ के, 24 घंटे मानो या 25 साल मानो, उसमें 1/3 कर दो सोने में चले जाते, 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे आपके डेली रूटीन के खाना पीना ये वो सब चीजें हैं, और 8 घंटे आपकी लाइफ के हैं जिसमें आपको राजा बनना है, अब उसमें से ये माइनस हो गया है, फिर बोलते मेहनत तो की थी पर लक भी होता है, ये सब बकवास बात है, इसको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करने के लिए 2-3 टर्म याद रखिए, पहली सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डे प्लानिंग, इसको हमारे कहते हैं आत्मबोध, सवेरे उठिए, उठ करके आंख बंद करके बैठिए थोड़ी देर,
और आज दिन भर अपने टाइम को कैसे मैनेज करूंगा उसको नोट करके रखिए, इसको कहते हैं डेज प्लानिंग। और रोज मुंगेरी लाल के सपने देखिए और रात को उसका कोई एनालिसिस ना हो तो बेकार। तो रात को फिर उसी डायरी को लेके बैठिए और सोचिए कि क्या क्या हुआ, इसको एनालिसिस ईमानदारी से इसको करें, ठीक है। लास्ट में दो बार, एक अपनी मेंटल बॉडी के, आप एक नई शर्ट खरीद के लाओ। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नेगेटिव सोचते हैं पॉजिटिव सोचते हैं आपकी थॉट प्रोसेस कहाँ जाती है कोई फर्क नहीं, मैं तो केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक नई शर्ट खरीदो, किसी ने नहीं पहनी, इसको ले जा करके या बाहर चौराहे पे टांग दो, एक दिन टंगे रहने दो, एक दिन टंगे रहने दो, ठीक है। अगले दिन उसको पहन लो, पहन पाओगे क्यों, गंदी हो गई, किसने गंदा किया, किसी ने पहना, किसी ने मिट्टी डाली, नहीं डाली, क्यों गंदी हो गई, वातावरण में गंदगी, ठीक है। ब्रेन का भी यही हाल है, जरूरी नहीं आप नेगेटिव सोचते हैं, वातावरण में है जो आता है। तो आप रोज धूल मिट्टी में खेलते कूदते हो, शाम को जाके क्या करते हो, ना लेते हो साफ हो जाते। वैसे ही बहुत सारे अच्छे बुरे विचार आते हैं, ये एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। इसको ठीक करने का उपाय, रोज कुछ पॉजिटिव पढ़ो, किसी ना किसी महापुरुष के बारे में पढ़ो, उनकी बायोग्राफी पढ़ो, उनके जीवन में आई असफलताएं आपको गाइड करें। तो नियमित 20 मिनट कम से कम आपको अच्छा पढ़ो। और आखिरी अपने इमोशंस के लिए, एक तो मैंने कहा फैमिली के साथ समय दी, दूसरा रोज कम से कम प्रार्थना और ध्यान जरूर कीजिए। बहुत अच्छा है आपके स्कूल में ध्यान कराया जाता है, ये इसलिए कराया जाता है कि आप घर में भी प्रैक्टिस प्रार्थना करिए, ठीक है, इससे आपके इमोशंस डेवलप। और कोई ना कोई सेवा का काम जरूर करिए, इससे भी इमोशंस डेवलप। कभी डिटेल में बाद में आएंगे तो फिर इसमें आपको बताएंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लास्ट में हमारे मास्टर का केवल एक कोट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। वो कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है ना, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपने अपने आप को अपने आप खुद के अंदर देवता को मान लिया तो आप अपना भाग्य बना लेंगे। बहुत धैर्य से आपने सुना, मुझे समय दिया, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। जैसे कि महाराष्ट्र में वामन राव पै होके गए, उन्होंने भी एक ही वाक्य बोला है, तू तो तुझा जीवनाचा शिल्पकार। बहुत बार बोला जाता है पर उसके ऊपर जैसे सोचा जाए तो पता चलता है कि क्यों बोला गया। इतने महान व्यक्ति ने ये जो प्रभाव बनाए हुए हैं या कोट बनाए हैं, तू तो तुझा जीवनाचा शिल्पकार, जैसे इन्होंने अपने भाग्य का विधाता आप खुद हो, बराबर है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कि बस ये कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा आप आए उसके लिए बहुत बहुत आभार। और एक छोटा सा मोमेंटो देते हुए एक यादगार हमारा गुरु को भी मिलना उनको प्रदान किया जा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके लिए भी समय निकालते हुए अपने स्कूल में जो उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए धन्यवाद। अभी मैं आपको निवेदन करूंगा, एक 5 मिनट मेरे साथ बैठिए, मैं स्टूडेंट को छोड़ता हूँ। राकेश सर,